ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सभी व्यवस्था धड़ाम। गूगल पे से लेकर के भीम ऐप तक में आ रही परेशानी। लोग बैंकों में कर रहे शिकायत, जल्द से जल्द हो इसका निराकरण ताकि लोगों को ऑनलाइन पेमेंट में हो सहूलियत। आप भी समझिए, जानिए इससे जुड़ी पूरी बात, आपकी आखिर कब तक खत्म होगी ये परेशानी। अगर आप भी किसी तरह से फोन में रुपयों का लेन देन करते हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, यानी अब आप पहले जैसा आसानी से रुपयों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। ये नियम सिर्फ कुछ विशेष अकाउंट के लिए नहीं बल्कि कई बड़े बैंकों के लिए लागू किया गया है, जिनको लेकर ये बात कही जा रही है कि अब इन बैंकों के उपभोक्ताओं को रुपयों के आदान प्रदान में दिक्कत होगी। अब वो कौन कौन से बैंक होंगे ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि आखिरकार अभी आया नया अपडेट क्या है। इसको लेकर कम और स्पष्ट शब्दों में बात की जाए तो अब गूगल पे, पेटीएम, फोन पे समेत भीम यूपीआई से रुपयों के आदान प्रदान में दिक्कत होने वाली है। दरअसल अभी हाल फिलहाल में लोगों का कहना है कि पेमेंट ऐप में यूपीआई के जरिए भुगतान करने में परेशानी आ रही है। ये समस्या इसी मंगलवार शाम से देखने को मिल रही है। इसको लेकर मिली जानकारी के मुताबिक गूगल पे, पेटीएम, फोन पे व भीम यूपीआई समेत विभिन्न पेमेंट ऐप्स इससे प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ऐसा नहीं है कि ये परेशानी हर यूजर को देखने को मिल रही है। इस संबंध में यूपीआई ने अपने बयान में कहा है कि उनका सिस्टम ठीक काम कर रहा है। ये समस्या कुछ बैंकों की ओर से आ रही है। इस मामले को लेकर एनपीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि यूपीआई कनेक्टिविटी में आ रही परेशानी के लिए खेद है। कुछ बैंकों में इंटरनल टेक्निकल इशू आ रहे हैं। एनपीसीआई के सिस्टम बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे हैं। हम इन बैंकों के साथ मिलकर समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें कि ये समस्या किन किन बैंकों को आ रही है तो इसमें से HDFC बैंक, BOB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक और कुछ और बैंक शामिल हैं। तो वहीं ICICI बैंक के यूजर्स के लिए गूगल पे ठीक से काम करता नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये समस्या देखने को मिल रही है कि लोग अपने पेटीएम से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। आपको भी ऑनलाइन भुगतान में क्या क्या दिक्कत हो रही है या फिर आपका ऑनलाइन भुगतान आराम से हो पा रहा है कि नहीं, इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए कि आखिरकार इस तरह से ऑनलाइन आदान प्रदान की दिक्कतों का समाधान कब तक हो पाएगा तो इसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि संबंधित अधिकारी इसको लेकर अतिशीघ्र कुछ न कुछ समाधान पा लेंगे ताकि लोगों को ट्रांजैक्शन में सहूलियत दी जा सके। मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले भी फोन पे के लिए कुछ ऐसी खबर निकलकर सामने आई थी। भारत की एक अच्छी आबादी आज नगद की जगह ऑनलाइन रुपयों का आदान प्रदान करती है। ऐसे में अधिकतर उन सभी लोगों को परेशानी हो रही है जो ऑनलाइन रुपयों का ट्रांजैक्शन करते हैं। आज भारत के तमाम दुकानदार समेत बड़ी बड़ी कंपनियां रुपयों के लेन देन के लिए ऑनलाइन को ही चुनते हैं। भारत में हर दिन अरबों रुपयों का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ करता है। आज लोग हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े भुगतान के लिए ऑनलाइन माध्यम को चुन रहे हैं। आज भारत क्या विश्व स्तर पर भी रुपयों के लेन देन के लिए ऑनलाइन को ही माध्यम बनाया जा रहा है। इसी आधार पर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर जल्द से जल्द समस्या के समाधान नहीं किए गए तो भारत क्या विश्व स्तर पर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है जिसमें भारी मात्रा में रुपयों के लेन देन में कमी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।